नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ अपनी एक अच्छी और फ्रेश वार्ता के साथ। आज के दौर का एक टॉपिक बन चुका है कि जिद्दी बच्चों को कैसे संभालना चाहिए। जिद्दी बच्चे कैसे कह सकते हैं हम कि ये जिद्दी है, उनके क्या क्राइटेरियाज होते हैं, कैसे पता लगाएं कि वे जिद्दी है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाने बैठे तो पढ़ नहीं रहा है। हर बार जब भी पेरेंट्स मिलते हैं, जिद्दीपन का एक अलग तरीके का उदाहरण बताते हैं। एक पेरेंट आया, उसका ये कहना था कि मैं जब भी अपने बच्चे से पढ़ाई की कहता हूँ, वो हमेशा मुझसे कहता है कि मुझे चैप्टर समझा दीजिए पहले। वो खुद से पढ़ने की बजाय अपना काम पेरेंट्स के ऊपर ला देता है। उसे जब भी कहेंगे पढ़ने के लिए कि मुझे ये सिखा दो पहले, तब मैं पढ़ूंगा। या जब भी पेरेंट बोलेगा कि बेटा ये करके दिखाओ, नहीं पापा पहले मुझे ये समझा तो दो तभी तो करूँगा, तो वो हमेशा इंगेज कर लेते हैं कुछ बच्चे के पापा मुझे पहले समझाए या मदर पहले मुझे समझाए, तब मैं आगे की पढ़ाई खुद से हैंडल करूँगा। कुछ बच्चे पहले एक चीज़ प्रेजेंट की जाती है, फिर दूसरी चीज़ खाने के लिए बोलते हैं कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगता, दूसरा लाइए। माँ बहुत कहती है कि बेटा मैं बिजी हूँ, मुझे कहीं जाना है या मुझे कुछ काम करना है, तब भी बच्चा बार बार जिद करता है कि मैं खाऊंगा ही नहीं, और खाने के साथ साथ आप मुझे दूसरा ऑफर करेंगी तब मैं वो खाऊंगा, ये तो मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ऐसी सिचुएशंस में जब बच्चा खराब बोलने लगा है, या बच्चा बिल्कुल बात नहीं मान रहा है, या बच्चा आपको लगता है कि आपके काबू में ही नहीं है, या फिर दूसरी तरफ आपको लगता है कि कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में कुछ एक पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं और आप हम सभी मिलकर अगर अनुसरण कर लें तो शायद कहीं ना कहीं कुछ हमारे लिए सभी के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो उसके लिए हम पहली चीज़ क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर बच्चा बहस कर रहा है, अगर बच्चा निरंतर आपको उत्तर दे रहा है, जो आपका टोन है उसी टोन में बच्चा आपको जवाब दे रहा है, तो ऐसे में हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि जो बच्चा बोल रहा है उसके साथ साथ लगातार प्रतिक्रिया दें, हम लगातार उसको आंसर करें, रिप्लाई करें। वो जितनी टोन में बोल रहा है उससे बढ़कर टोन हम बोले फिर उसके ज़्यादा टोन बच्चा बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि उसको डर कहीं ना कहीं ख़त्म है, उसे ये मालूम है कि ये मारने से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो जब बच्चा बोल रहा है तो उसके साथ साथ आप ना बोलें। जब बच्चा बात करने की कोशिश कर रहा है आपसे, बोलने की कोशिश कर रहा है, तब आप ये देखें कि वो किस टोन में बात कर रहा है, तब तो उत्तर दें। अगर बात बहस पर आ चुकी है तब वहाँ आप शांत हो जाएं, बिल्कुल ना बोलें, कोशिश ना करें कि आप उसकी हर बात का रिप्लाई करें, आप मूव ऑन कर लीजिए, वहाँ से हट जाइए कुछ देर के लिए, उस जगह को बिल्कुल छोड़ दीजिए, तब आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्थिति को सुधार सकते हैं। वरना बच्चा अभ्यास कर लेगा, प्रैक्टिस कर लेगा, तजुर्बेकार हो जाएगा आपसे रोज बोलने का, जबान चलाने का, उल्टा सीधा बोलने का, वो आपसे हैबिचुअल हो जाएगा। दूसरा और ज़रूरी पॉइंट और बताऊंगी आपको, कभी कभी हम जैसे बच्चे को हमेशा बताते हैं कि बेटा ऐसे बोलो, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे करो, इसे वैसे नहीं वैसे कर लो। ये सही है, हर पेरेंट बताता है, हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा जैसे माँ बाप चाह रहे हैं वैसे ही चले, लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर बच्चा सच में योग्य है, बच्चा सच में आपको फॉलो करता है, बच्चा सच में आपकी हर बात सुनता है, पढ़ने में बहुत होशियार है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप डांस कर लेते हैं, आप गाना गा लेते हैं, तो आप उसे भी प्रेशराइज करें कि वो भी गाना भी गाए, डांस भी कर ले, मतलब जैसा आप चाह रहे हैं वो सब कर ले। बच्चा किसी एक चीज़ में अगर अच्छा है, आपकी बात सुन रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, तो आप ज़ाया ही उसके ऊपर प्रेशर ना बनाएं कि वो ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। ऐसा करने पर बच्चा जो अपना मेन काम कर रहा है, जो बच्चा रुचि लेके कर रहा है, जिस चीज़ को आपको कहना नहीं पड़ रहा वो फिर भी कर रहा है, वो सारे काम छोड़ देगा और वो एक तरफ ये सोचने लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसका माँ को कोई मतलब नहीं है, जो नहीं कर रहा हूँ वो सब कराना चाहती है। तो आप अपनी, अगर बच्चा सही ट्रैक पर है, पढ़ भी रहा है, बात भी सुन रहा है, तो ज़्यादा अपनी मनमाने की कोशिश बेकार की ना करें। कुछ बच्चे डांस में होते हैं तो कुछ पढ़ने में होते हैं, कुछ बच्चे अदर एक्टिविटीज़ में CCA में होते हैं तो कुछ किसी और में होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा हर चीज़ में हो। हाँ, हमें अच्छा लगता है कि बच्चा मल्टीटास्क होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हर चीज़ में हो। तीसरी बात बताऊंगी, जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है, बड़े होते समय हम हमेशा अपने काम में बहुत व्यस्त होते हैं।
आज की डेट में पेरेंट्स के पास कितने काम है, जॉब से आना, तो बच्चा जब भी माता पिता के पास आया मम्मी मुझे ये बता दो, तो माँ अक्सर कहती है बेटा मैं बहुत थक के आई हूँ, तुम कहीं और अभी बात कर लो, लेट जाओ भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। पापा के पास आया तो पापा का कुछ सेल नेचर होता है, मेरी ये चीज़ कहाँ है, मेरी वो चीज़ कहाँ है, उधर बच्चा चाहते हुए भी पूछना कुछ नहीं चाहता, उसे ऐसा लगता है कि मैं जिसके भी पास जाऊँगा वो नॉर्मली मुझसे बोलेंगे कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो जिसके भी पास बच्चा जाता है वो धुतकार के उसे हटा देते हैं। बच्चे के दिमाग में जब आई चीज़ वो तभी आपसे सॉल्व कराना चाहता है, बाद में बिल्कुल नहीं। कभी कभी बच्चा स्कूल की बात बताना चाहता है, कभी कभी बच्चा दोस्तों की बात बताना चाहता है, कभी कभी बच्चे के अंतर मन में कुछ होकर गुजर रहा होता है, बच्चा वो बात आपसे डिस्कस करना चाहता है, लेकिन कई बार हम बिना बात सुने ही बच्चे को झटक देते हैं, हम उसकी बात ही नहीं सुनते। ऐसी स्थिति में बच्चा पहली बात तो छोटा होता है, वो उस समय के आई बात दिमाग में भूल जाता है, फिर वो अपनी बात एक बार बताने की कोशिश करता है, दो बार बताने की कोशिश करता है, फिर कुछ ऐसा होने लगता है कि वो अपनी बात बताता ही नहीं है, फिर ऐसा होने लगता है कि वो भग्नाशय का शिकार होने लगता है, कुछ दिमागी स्थितियां उसकी ऐसी होने लगती है कि वो खुद ही झेलता है, खुद ही सहन करता है, खुद ही हैंडल करता है। ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि बच्चा अपने आप में भ्रमित होता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत, क्योंकि उसे अच्छे और बुरे का गाइडलाइन हमने दिया ही नहीं होता। उसके बाद जब बहुत देर हो चुकी होती है तब हम अपने बच्चे के पास आकर बात करते हैं, तब हम अपने बच्चे को सहलाते हैं, तब हम अपने बच्चे से पूछते हैं कि बेटा कोई बात हो तो बताओ, कुछ हो गया है तो बताओ। नहीं, अब जब हो चुका है तब समय देने से क्या फायदा, जब हो ही चुकी है बात तब हम उसके आसपास जाने का क्या ही फायदा, जब बच्चा आपके पास आ रहा था तब आपने उसको निरंतर झटका, अब वो कुछ नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि उसने ऐसा अपना नेचर बना लिया, उसका ऐसा नेचर बन चुका है। ऐसे में क्या करें, ऐसे में जब बच्चा आ रहा है तब तो सुने ही, इसके अलावा अलग से भी बच्चे को देखते रहे, उससे बात करने की कोशिश करें और समय समय पर खुद अपनी बात बच्चे को बताएं कि आपके साथ पूरे दिन क्या होता है, आप कैसे वर्क करते हैं। ऐसा करने पर बच्चा भी आपसे खुलेगा और वो भी आपको अपनी सारी बातें बताएगा। एक और बात, कई बार क्या होता है जब आप बहुत सारे बच्चों के ग्रुप एक्टिविटी देख रहे होते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस के बच्चे हो गए या आपके रिलेटिव के बच्चे हो गए, इन सारे बच्चों की जब हम बातें देख रहे होते हैं, उनके काम देख रहे होते हैं, तब क्या होता है कि हम अच्छे वर्क की तारीफ उन सारे ही बच्चों की करते हैं जब उन बच्चों ने वर्क बहुत अच्छा किया होता है। ऐसे में बच्चे ने जो कर पाया होता है, जैसा कर पाया होता है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं, या घर में भी बच्चा जब अकेला होता है कुछ करके दिखाता है तो हम उसके अच्छे काम की कभी तारीफ ही नहीं करते, जबकि उसने कॉपी में काम किया, नोटबुक में, तो हम बता दिया बहुत गंदा राइटिंग है, उसने छोटे बहन भाइयों के साथ लड़ाई की, बेटा बहुत गलत है, उसने काम बिगाड़ दिया, बेटा बड़ा गलत है। लेकिन हम ढूंढ कर, कुछ निकाल कर अगर ये कोशिश करें कि उसने क्या कुछ अच्छा किया है, अगर हम उसकी तारीफ करते हैं, प्रेस करते हैं, उसका मनोबल बढ़ा दें, तो वो आपका प्यार, लाड़, दुलार और आपका प्रोत्साहन देखकर उस अच्छे काम की तारीफ के साथ साथ और दो चार अच्छे काम करने की कोशिश करेगा। क्यों? कि आपका कॉन्सेंट्रेशन उसकी तरफ हो जाए। बच्चे की छोटी उम्र होती है, वो हर बार चाहता है कि पेरेंट मेरे ऊपर ध्यान दें, मेरे साथ अट्रैक्ट करें, मेरे साथ बात करें, तो वो हर बार एक बार का मिला प्रोत्साहन उसकी हर बार की सीख बन जाए। आप किसी भी छोटे अच्छे या कुछ नहीं भी किया है तब भी उसे अच्छा बनाकर बता दीजिए कि ये तो बेटा कमाल कर दिया। जैसा कि आप अक्सर देखते हैं मेरे दो बच्चे, जिसमें कि बड़ा वाला बच्चा ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत अच्छा बच्चा है, ही इज वेरी वेरी क्यूट, वेरी स्मार्ट इन ऑल टास्क, तो यूजली व्हेन आई वॉच हिम कि ही इज डूइंग समथिंग स्पेशल वर्क, और मान लीजिए कि वो स्पेशल नहीं भी है, तब भी मैं दिन में 4 से 5 बार उससे बोलती हूँ, बेटा ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया। जैसे मैं कॉलेज से नहीं लौट पाती, आजकल मेड भी नहीं है कोई घर में, तो उसका भाई
उसके साथ ही स्कूल से आता है, 15-20 मिनट बाद आता है, लेकिन साथ ही आता है। तो उसको वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, उसको कुछ खिला भी देते हैं। तो मैं कॉलेज से आते ही छोटे बच्चों को प्यार नहीं करती, बड़े बच्चे को ये जरूर आते ही बोलती हूँ कि बेटा आपने, मैं कैमरे में देख रही थी, आपने तो सच में उसे बहुत अच्छे से रख लिया। फिर इसका रिजल्ट दूसरे दिन क्या होता है कि वो उसके साथ इतना बेहतर करने की कोशिश करता है कि मम्मा इज वॉचिंग इन सीसीटीवी कैमरा, तो ही जस्ट वॉन्ट टू गिव मी अ बेस्ट रिजल्ट। वो इतना अच्छा करने की कोशिश करता है कि जब मम्मा आएगी और मेरे टास्क के लिए मुझे प्रोत्साहित करेगी तो वो बहुत बूस्टर फील करेगा। तो जब पहले दिन तारीफ की तो दूसरे दिन मुझे 10% मोर केयर मिली छोटे बच्चे की। तीसरे दिन उसने घर भी सही कर दिया, चौथे दिन उसने बच्चा भी मैनेज किया और उसके एग्जाम शुरू हो गए, उसने पढ़ाई भी कर ली, अपना खाना भी सही से खा लिया। सोचिए, एक तारीफ करने से अगर 4 काम अच्छे होते हैं तो हम अपने बच्चे की ही तो तारीफ कर रहे हैं। अगर वो इससे सही होता है, इससे उसे कुछ प्रोत्साहन मिलता है, तो हम क्यों ना करें। लेकिन सच मानिए, आपके ही अच्छे होने से बच्चा अच्छा होता है। हमारे चिड़चिड़ाने से, हमारे खराब होने से हमें ही बच्चा निरंतर एक्सेप्ट करता है, हमें ही बच्चा निरंतर स्वीकार करता है, निरंतर ग्रहण करता है। हम भी जो दे रहे हैं सारा दिन बच्चा वही देता है। वो चिड़चिड़ाया, हमने दिया। उसने मारा पीटा किसी को, हमने दिया। उसने कोई चीज के लिए ना नुकुर किया खाने के लिए, हमने ऐसा कभी किया होगा। अगर वो टीवी चला के खाना खाना चाहता है तो कभी हमने भी टीवी और मोबाइल चला के खाना उसके सामने खाया होगा। पहले खुद सही होइए, तब अपने बच्चों के लिए सोचिए कि वो ये सब काम बंद कर दे। अक्सर बार पिता ऑफिस से, कॉलेज से, अपने काम से लौटते हैं, शर्ट कहीं, पैंट कहीं, जूता कहीं, और आते ही झंडाना शुरू कर दिया कि कैसा टिफिन रखा था, चाय नहीं बनाई, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना परेशान होके आ रहा हूँ। धीरे धीरे बच्चा भी वही चीजें फॉलो कर रहा है, और वो भी यही करता है स्कूल से आके, बॉटल कहीं, बैग कहीं, शूज कहीं, यूनिफॉर्म कहीं, और आते ही माँ से कहता है कैसा खाना बना दिया, आपको पता है मैं कितना थक के आया हूँ। तो हमने जो सिखा दिया बच्चा वही सीख रहा है, वो किसी और से नहीं सीख रहा। कुछ पेरेंटल इफेक्ट, कुछ हेरिडिटी, कुछ ब्लड हमारे द्वारा निरंतर उसमें ट्रांसफर होता रहा। कोशिश कीजिए अपने बच्चों के ऐसे गाइडलाइन बनिए जिसे बच्चा रोज ग्रहण करके एक अच्छाई की तरफ जाए। मेरा बहुत नन्ना सा बच्चा जो 2.5-3 साल का होगा, 3 का होगा कल, वो छोटा सा बच्चा भी मेरी कॉलोनी के सारे बुजुर्गों के पैर छू लेता है। उसके साथ ही मेरी अगर कोई ओल्ड है वो उनके भी छू लेता है, वो गार्ड है ओल्ड उनके भी छू लेता है। अभी वो जब तक झुक रहा है तब तक झुक रहा है, क्या पता बड़े होकर वो ना चुके। तो मैं उसे कभी नहीं रोकती कि ये गार्ड है के पैर ना छुओ, ये मेड है इसके ना छुओ। आप कुछ संस्कार धीरे धीरे बच्चों में दे दीजिए और आप देखिएगा बच्चे जरूर और जरूर उन संस्कारों के साथ आगे बढ़ेंगे, और वो आपके साथ भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे आप उन्हें संस्कार दे रहे। माता पिता अकेले घर नहीं बनाते, बच्चों के साथ मिलकर घर बनाते हैं। वादा करती हूँ आपसे कि आप अगर ऐसे काम करेंगे तो निश्चित ही आपका बच्चा कहीं ना कहीं जाकर आपके लिए ऐसा बनके तैयार होगा कि आप भी मेरी तरह एक वीडियो बनाकर जरूर बताएंगे कि मेरा बच्चा ऐसा होगा। जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या आप ये सारी चीजें करते हैं, या आपका बच्चा जिद्दी हो गया है तो क्या करना चाहिए, या आप मेरी वाली चीज को फॉलो करें तो आपने बच्चे में 10 दिन में क्या सुधार पाया। नमस्कार सभी को, बाय बाय। आप लोग जरूर देखिएगा क्या कुछ पाया।